विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। मानसून हवाएं किन हवाओं को कहा जाता है? वर्षा ऋतु के हवाओं को। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। भारत की सबसे लंबी सड़क का नाम क्या है? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। किस पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है? भारत रत्न। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। नैनो यूरिया को कौन लॉन्च करेगा? इफको। करेन विद्रोही कौन है? करेन विद्रोही म्यांमार का एक पुराना विद्रोह दल है। इसी विरोधी दल ने करेन नेशनल यूनियन यानी कि करेन नेशनल यूनियन का गठन किया है। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किसे किसने जीता है? बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका के अध्यापिका ने। उसके बाद की बात करें तो राज्य एवं उनके प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, तो मध्य प्रदेश के नृत्य है पंडवानी गणगौर नृत्य, असम में बिहू, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, गुजरात में गरबा, कर्नाटक में यक्षगान, पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा, राजस्थान में कलबेरिया, घूमर, तेरह ताली, भवाई नृत्य, महाराष्ट्र में तमाशा या फिर लावड़ी, उत्तराखंड में कजरी या छौलिया, जम्मू कश्मीर में कुंद दंडी नाच, रऊफ, हिमाचल प्रदेश में छपेली, दागी थाली, बिहार में छऊ, विदेशिया, जाट, जतनी, केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम, नागालैंड में लीम और छोंग, पश्चिम बंगाल में जात्रा, ढाली और छाऊ, गोवा में मंडी और डकनी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, झारखंड में विदेशिया या छऊ, उड़ीसा में उड़ीसी और घूमरा, छत्तीसगढ़ में पंथ नृत्य। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में, और द हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव बान की मून नहीं है, वर्तमान एंटोनियो गुटरेज हैं। तो ये गलत है, इसको मिटा देते हैं। एंटोनियो गुटरेज है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 153वां सदस्य कौन देश बना? तो दक्षिणी सूडान। किस विटामिन के कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरा, ब्राज़ील में, जिसको रियो ओलंपिक के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। राज्य एवं उनके प्रमुख नृत्य, मध्य प्रदेश के पंडवानी या गणौर नृत्य, असम में बिहू, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, गुजरात में गरबा, कर्नाटक में यक्षगान, पंजाब में भांगड़ा या गिद्दा,
भंगड़ा और गिद्दा राजस्थान में, कालाबेरिया घूमर तेहराई भवानी नृत्य महाराष्ट्र में, तमाशा लावणी उत्तराखंड में, कजरी छौलिया जम्मू कश्मीर में, कूद दंडी नाच रऊफ हिमाचल प्रदेश में, छपेली दांगी थाली बिहार में, छऊ विदेशिया जाट जतनी केरल में, कथकली मोहिनीअट्टम नागालैंड में, लीम छोंग पश्चिम बंगाल में, जात्रा धाली छऊ गोवा में, मंडी और ढकनी आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी झारखंड में, विदेशिया छऊ उड़ीसा में, ओडिसी और घूमरा छत्तीसगढ़ में, पंथ और नृत्य। उसके बाद व्हीकल ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक कब जारी किया गया था, 2021 में। खाद्य मूल्य सूचकांक फूड प्राइस इंडेक्स किस साल उच्चतम स्तर पर पहुंचा था, 2014 में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। भारत में रविदास जयंती कब मनाई जाती है, 27 फरवरी को। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सहकार प्रज्ञा पहल कब लॉन्च की, 24 नवंबर 2020 को। तेंदुए के बचाव और पुनर्वास के लिए किस राज्य ने PPP परियोजना लागू किया है, तो गुजरात सरकार ने। फास्टैग कब से अनिवार्य होगा, 16 फरवरी 2021 से। तिब्बत में किस नदी पर चीन की प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। पीएम मोदी ने केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास किस मॉल का उद्घाटन किया है, एकता मॉल। किस संगठन ने SMS के माध्यम से 0 GST स्टेटमेंट दर्ज करने का सुविधा शुरू किया है, तो GSTN ने। उसके बाद हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 44212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश के स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो शिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है, तो चांदी। गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन CH4। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था, लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई थी, तो एथेंस में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक और कहां और कब जीता था, तो 1980 में जीता था मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है, तो 4 वर्ष के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो लंदन में। ओलंपिक के ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है, तो माइकल फ्लैप्स। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है, मंदाकिनी। कौन सी झील कश्मीर में नहीं है, तो लोनार झील। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से। नदी द्वीप माजुली नदियों में से किस में स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र में। सौरमंडल के बाहर सीरियस नाम से के चमकीले तारे को क्या कहते हैं, तो डॉग स्टार। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सी है, तो उलर झील। डक्कन पैकेज किनके बीच स्थित है, तो दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच।
डक्कन पैसेज किसके इनके बीच स्थित है? दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार। गॉडविन ऑस्टिन का क्या है शिखर है, जिसको हम G2 के नाम से भी जानते हैं। किस एक संस्कृत ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया है? तो लौह युग। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय, यानी कि 4 चैम्बर होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46। पेयर में अगर पूछा जाए तो 23 पेयर होता है, तो दोनों मिलाकर 26 46 हो गया। शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा होता है, और सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर होता है। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, यानी कि नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण। मान यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। मानव मूत्र का pH मान 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 310 डिग्री केल्विन, 310 केल्विन। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। पैरों में दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फॉस्फोरस है। रुधिर को थक्का जमने के में सहायक होता है प्लेटलेट्स। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित फेरेनोलॉजी कहते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म कौन सा होता है? साइकस। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण मिनी माता रोग होता है। इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। पीत यानी कि बाइल किस रंग के द्वारा पैदा हो के किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो लीवर के द्वारा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है स्प्लीन, जिसको हम कब्रगाह भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड बोलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है, यानी कि आयरन होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति कारण नहीं जमता है? तो हीपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं RBC का श्मशान कहा जाता है प्लीहा, यानी कि स्प्लीन को। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक एसिड का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में, यानी कि लीवर में, यकृत में, यानी कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्कों में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में, जो कि 2021 में हुआ था। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मलेश्वरी। बैक टू द वेदाज का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया था? श्याम लाल गुप्त प्रसाद। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसके कमी के कारण होती है? कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के कारण। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमृत सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के कारण। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान के जुनोको तबाई।
विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। जापान के जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत यानी कि लीवर का, पीलिया लीवर का रोग है। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का लॉ, पास्कल लॉ। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या पाया जाता है? तो ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास। गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग क्या है? 250 BC। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली गई थी? तो सिंधु, राजस्थान, गुजरात तक। हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? तो सुमेर या फिर मिसोपोटामिया बोल सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में निम्न में से किसी पूजा करने के विषय की जानकारी प्राप्त हुई थी? वृक्ष तथा पशु, मातृ देवी और भगवान शिव का। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? तो ऋग्वेद। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है? तो मनु को। आर्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, ये सही नहीं है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रोना, किरीट लिखा क्रोना। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सीलेट अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो JL बेयर्ड। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? तो डेवी। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाती है? तो ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। बच्चों में 310। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁵ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये किलोमीटर में लिखा हुआ है, मीटर में पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। किसके जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र।
महात्मा बुद्ध जन्म महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में। महात्मा बुद्ध का देहावसान कहाँ किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किस उम्र में हुई थी? 35 वर्ष की उम्र में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। जातक कथाएं हमें किनके जीवनों के विशेष विषय में बताती हैं? तो बोधिसत्व के विषय में। महावीर कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो 6 शताब्दी BC में मगध में। महावीर का किस वंश या जाति से जन्म हुआ था? तो लिच्छवी जाति से। जैन धर्म के संस्थापक महावीर के विषय में कहा जाता है कि वे अन्य कई ऋषियों के बाद आए। वे कितने थे? तो 23। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 से 27 BC में। नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? तो मगध में। राज्य एवं उनके प्रमुख लोक नृत्य। मध्य प्रदेश पांडविनी गणगौर और नृत्य। असम बिहू। उत्तर प्रदेश नौटंकी। गुजरात गरबा। कर्नाटक यक्षगान। पंजाब भांगड़ा और गिद्दा। राजस्थान का बेलिया घूमर तेहर ताली भवाई नृत्य। महाराष्ट्र तमाशा और लावणी। उत्तराखंड कजरी और छौलिया। जम्मू कश्मीर कूद दंडी नाच रऊफ। हिमाचल प्रदेश छपेली दागी थाली। बिहार छऊ विदेशिया जाट जतीन। केरल कथकली मोहिनीअट्टम। नागालैंड लीम और छोंग। पश्चिम बंगाल जात्रा ढाली छाऊ। गोवा मंदी और डकनी। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। झारखंड विदेशिया और छाऊ। उड़ीसा ओडिसी और धूमरा। छत्तीसगढ़ पंथ नृत्य। रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला। साधारण नमक NaCl। बेकिंग सोडा NaHCO3। धुवन सोडा Na2CO3.10H2O। कास्टिक सोडा NaOH। फिटकरी K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस.24H2O। लाल दवा KMNO4। कास्टिक पोटास KOH। चूना का पानी NaOH का होल ट्वाइस। जिप्सम CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O। चौक CaCO3। चूना पत्थर CaCO3। संगमरमर CaCO3। नौसादर NH4Cl। लाफिंग गैस N2O। लिथार्ज PbO। गैलेना PbS। सफ़ेद लेड 2PbCO3.PbOH का होल ट्वाइस। नमक का अम्ल HCl। अम्लराज HNO3 प्लस HCl यानी कि इसका रेशियो 1:3। शुष्क बर्फ CO2। हॉर्न सिल्वर AgCl। भारी जल D2O। प्रोड्यूसर गैस CO+N2। मार्स गैस CH4। सिरका CH3COOH। एल्कोहल्स Ac2H5OH। चीनी C12H22O11। यूरिया NH2CONH2। बेंजीन C6H6। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सर परोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस साम्राज्य सुधारक समाज सुधारक ने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। और ये समुद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, याद रखना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को हुई थी? तो 2 अक्टूबर को। और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिवस है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद्र गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र।
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरीन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट, सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून थे, लेकिन अभी के टाइम पे एंटोनियो गुटेरेज हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। धन्यवाद।